फर्स्ट टाइम इनकम आई थी ना तो वो हमारी थी सिर्फ फोर थाउजेंड और हम इतने खुश हुए थे कि हमने कहा भी बहुत है अलहमद फैमिली हैप्पी फैमिली तीन साल लगे हैं काम करते हैं दो साल लगे थे सीखते हैं अल्लाह ताला की तरफ से आ गई क्या बनना चाहती हूँ बड़े हो गए बड़े हो फैशन डिजाइनर आपने क्या कहा था मैं <laughs> असल नाजरी मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एन पी जी मीडिया ले जी ये नन्हे मुन्ने से बच्चे मेरे साथ बैठे हुए आपको बहुत मासूम दिखाई दे रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है आप धोखे में हैं क्योंकि ये महीने का एक अरब रुपया कमाती हैं और ये महीने का दो अरब रुपया कमाती हैं वो किस तरह से कमाती हैं ये तो बाद में बताऊंगा लेकिन इनका नाम बताता चलूं ये हैं जन्नत और ये हैं ईशाल ये बहुत अच्छी सिलाई कढ़ाई और लैस बनाती हैं और ये बहुत अच्छा अंडा बनाती हैं अंडा बना के लोगों का अंडा फंडा सब कुछ खराब खरूब कर देती हैं इन्होंने कई किचन भी गंदे किए हैं ये बहुत नोटी बच्ची हैं और ये बहुत जहीन बच्ची हैं इनके जो बाकी बहन भाई हैं वो भी बहुत ज़्यादा जहीन है किस तरह से जहीन है ये तो वीडियो में आगे चलकर आपको पता चलेगा ये

ये पलटा और साथ में कुमकुम कुम लैस और साथ में मोते वाले लैस बनाते हैं कुमकुम किसी लड़की का नाम है नहीं कुमकुम कुम किसी लड़की का नहीं लैस का नाम है अच्छा लैस का नाम है जो लड़कियां यूज करती हैं जी ठीक है मेरे तो किसी काम के नहीं आप मुझे ये बताएं कि आप महीने का दो अरब रुपया कमाती हैं ये कैसे मुमकिन हुआ ये हाँ? ये बता है। नहीं पता मेरा बच्चा मुझे ये बताएं कि आप इतनी बड़ी कब हुई साल हो गया आपको जी जी अच्छा आप अंडा बहुत अच्छा बनाती हैं वो भी उसमें चिप्स डाल के वो कैसे फ्राइज डाल के अंदर किस तरह से बना लेती हैं आप चूरा चाट कैसे चूल्हा चार चूल्हा जला के अच्छा ये अभी देख ले अभी सही से, से बोलती भी नहीं है लेकिन फिर भी महीने का दो अरब रुपया कमाती है यहाँ पे कोई डाकू डुकू ना आज जरा ध्यान से आप मुझे ये बताएं कि आपके चैनल भी हैं यूट्यूब पे उस पे आप फेमस होना चाहती हैं 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 जी 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 फेमस होना चाहती क्या टिकटॉक बनाती बनाती जी। ये, ये इतनी प्यारी लुक बनाई हुई है ये मेकअप किया हुआ है आपने लिपस्टिक लगाई हुई है ये क्यों लगाई है आपने ये वैसे फैशन के लिए जी आप मुझे ये बताएं कि ये कब से और कितना अरसा हो चुका है आपको ये काम करते हुए ये तीन साल हो गया काम करते हैं साथ में वैसे आपकी उम्र क्या है दस साल मतलब आप पैदा होते ही शुरू कर दिया था आपने नहीं मैंने तीन साल किया है तो इसका मतलब छः साल की उम्र में छः साल की यार मैं कंफ्यूज हो रहा था मुझे ये बताएं मशीन यूज़ कैसे करते हैं किसने सिखाई थी आपको ये मम्मा कहती थी तो मम्मा को देख देख के मुझे भी आ गया मुझे शौक हो गया लग गया इसलिए मैं ये जहनत कहाँ से आई है ये जहनत अल्लाह ताला अल्ला की तरफ से आ गई इतना अच्छा बोलती हैं आप जी जन्नत मिर्जा को कॉपी करती हैं नहीं किसको कॉपी करती हैं फैसल खान सूरी को नहीं खुद ही बस आ गई नहीं मतलब आपको एंकर पे शक था मेरा नाम क्यों नहीं लिया आपने कहें ना कि फैसल खान सूरी को कॉपी करती हैं का कॉपी करती करती है, आ, करती है ये। अच्छा, मुझे ये बताएं, मामा ने किस तरह से समझाया था आपको किस तरह से बताया था कैसे आपने सीखा कितना अरसा लगा था आपको सीखते हुए इसका दो साल लग गए थे सीखते और साथ में मामा ने सिखाया था और मामा ये नहीं कहते थे गंदी ओलाद ना मजा ना स्वाद नहीं मम्मा ये नहीं कहती थी उनके लिए मैंने सीख लिया था इसलिए मम्मा मेरे गंदी अच्छा, तो महीने का कितना कमा रही है? वैसे मैंने सुना एक अरब रुपया जी <laughs> <नहीं>। <laughs> तीन <क्रों। laughs> तीन तीन अरब रुपया <laughs> चलें जी इन पे शक जरूर कीजिएगा ये तीन अरब भी कमा सकती हैं तीन करोड़ भी कमा सकती हैं ती, तीन अभी लाख कमाती हैं जी अभी तीन लाख ही कमाती हैं वैसे कितना कमाना चाहती हैं जिंदगी में क्या गोल्स हैं आपके क्या बनना चाहती हैं बड़े हो बड़े हो ए, फैशन डिजाइनर आपने क्या कहा था <laughs> मैंने क्या बड़े होके क्या बनना चाहती है इसकी दूर से आवाज आई मामा बनना चाहती है अच्छा क्या बड़े होके क्या बनना है फैशन फैशन डिजाइनर डिजाइनर कितना पैसा कमाएंगे देंगे अच्छा। तो अभी मैंने सुना आपने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी ले ली हैं गार्ड भी आपके पीछे होते हैं तो ये किस तरह से मुमकिन हुआ शौक था इस चीज का है शरीफ इमरान खान से भी रहाते हैं आपके नई खार इतनी नहीं। <laughs> आपके पीछे लगी है। इमरान इमरान खान खान अगर कुर्ते का का? का का आपको, तो आप बनाएंगी? जी जरूर। उनकी बेगम का। उनकी बेगम बेगम बनाऊंगी। का कुर्ता काफी बड़ा है। आपके साइज़ नहीं होता। अब मैं भी मम्मी भी हमारे साथ मौजूद हैं उनसे ये कैसे बच्चे आपने इतने जहन पैदा कर लिए

उनके पापा हैं, फैमिली है एक हमारी माशा तो जाहिर सी बात है फिलवा का तो अपने अखराज पे ही जा रहा है आपके पाँच बच्चे हैं हाँ जी अलहमदिल्ला पाँच है आप स्मार्ट गर्ल लग रही हैं बड़ी मेहरबानी शुक्रिया मुझे <laughs> ये बताएं कि ये बच्चों को किस तरह से सिखाया आपने ये टैलेंट बच्चों के पास कहाँ से ये इस काम को करते हुए चार से पाँच साल हो चुके हैं तो फिर वो जाहिर सी बात है ये छोटे थे तो इस काम का सेटअप तो वो हम दोनों मियाँ बीवी ने स्टार्ट किया था तो इनके पापा के साथ मैं लगी रहती थी भाई ये छोटी थी जन्नत देखती रहती थी इसको देख देख के शौक हुआ तो बस इसने भी आस्ता आस्ता देखते देखते जब मैं नहीं होती थी तो ये चलाती थी चलाते चलाते इसको चलाना आ गया तो फिर बनानी शुरू कर दी मैम ये स्टार्टअप कैसे लिया था आपने कितनी मशीनों से स्टार्ट किया ये हमने लिया था एक मशीन से ही और दो थान लिए थे हमने रेड और येलो जो कि अभी तक याद है और उसको काफ़ी हमें टाइम लगा था क्योंकि सी बात स्टार्ट था लेकिन माशाल्लाह जब हमने स्टार्ट शुरू किया और ऐसा ऐसा होते होते जब फर्स्ट इनकम आई थी ना तो वो हमारी थी सिर्फ फोर थाउजेंड ठीक है हाँ जी और हम इतने खुश हुए थे कि हमने कहा भी बहुत लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इस काम को समझा किया और माशाल्लाह अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है अर्निंग तो फिर अब बहुत अच्छा लगता है और मैं तो ख़ुद कहूँगी कि सब जो बहनें चाहती हैं कि घर में हमारा कोई सेटअप हो वो इस तरह से करें तो इन शाला बहुत अच्छा सेटअप बने वर्कर हैं आपके पास हमारे पास कोई चार से पाँच वर्कर हैं लेकिन उनकी हमें वही बात कि वो तो अपना टाइम पूरा कम्प्लीट करके चले जाते हैं लेकिन उसके अलावा बाकी काम हम माशा ख़ुद फैमिली सारी मैनेज कर लेते हैं सब तो सब मजाक था कि दो अरब तीन करोड़ तो वैसे कितनी अर्निंग हो जाती है इस काम से इतनी तो हो जाती है माशा अलहमदिल्ला के देख लें एक से स्टार्ट किया था माशा चार पाँच मशीनें भी ले ली अपना फैमिली सिस्टम भी चला लेते हैं और अलहमद बहुत अच्छा चल जाता है बच्चों का सारा सेटअप वगैरह अलहमदल बहुत अच्छा चल जाता है आपके शोहर भी आपका हाथ बैठाते होंगे हाँ जी क्यों नहीं बल्कि हम उनका कह लें क्योंकि स्टार्ट तो मैंने बताया उन्होंने ही किया था उन्होंने मुझसे ये एक मशवरा लिया था तो मैंने कहा आप स्टार्ट करें मोस्ट वेलकम हम आपके साथ हैं तो अलहमदल अब हम सारी फैमिली मिल अच्छा कर लेते हैं यानी समझती हैं कि आपके शोहर के पीछे आपका हाथ है इसलिए वो कामयाब है ये तो होता है जाहिर सी बात है हर मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है तो बस चलता है आपके शोहर ने कभी आप पे कोई सख्ती की हो कि नहीं आपने ये काम नहीं करना ये नहीं करना ये पसंद नहीं है उनको खाने में ये पसंद नहीं है लड़ाई झगड़ा इस तरह होता है नहीं नहीं अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला इस लिहाज से ये नहीं कि मैं कह रही हूँ इस लाइव हूँ तो इसलिए अलहमद बहुत अच्छे हैं और हर लिहाज से कोऑपरेटिव हैं और बल्कि मेरा बी पी शूट भी कर भी जाए हाँ। तो वो मैनेज कर लेते हैं वो कहते हैं उनको पता होता है कि ज़ाहिर है वो काफ़ी थके हुए हैं मेरी मिसेज तो इसलिए क्योंकि बताया इस काम के अलावा हमारा चैनल भी है किचन विद जन्नत के नाम से सेवन एट सिक्स हैं तो वो फिर इसलिए जो है वो उसको भी साथ मैनेज करना होता है उसमें भी मेरी बेटियाँ भी साथ देती हैं हस्बैंड भी देते हैं तो यानी हम अपने सारे सिस्टम को मिल चलाते हैं प्रमोशन तो आपने गाड़ी ली तो चैनल का नाम भी बता दें किचन विद जन्नत सेवन एट सिक्स के नाम से वो हमारा किचन है आप देखिएगा बल्कि मैं कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आपको उसमें से क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है क्योंकि मैं रेसिपीज भी बना उसमें मैं अपलोड की हुई है व्लॉग भी करती रहते हैं तो माशाल्लाह है यानी हम अपना जो अलहदुल्ला फैमिली हैप्पी फैमिली इसको हम शेयर करते हैं ताकि लोग जो परेशान होते हैं ना कि हाय हर वक्त वही चीनी महंगी आटा महंगा उससे सर दर्द दूर रहती है तो खुश बच्चे क्या करते हैं बच्चे भी बताएं मेरा हाँ यहाँ स्टडी के साथ साथ है ये जन्नत जो है स्टडी भी करती है साथ इस टाइम पे ये हमारे साथ ये काम भी करती है शाल मेरी भी इसी तरह पैकिंग में आ गई है बेटे जो हैं वो एडिटिंग भी करते हैं इस काम में भी ये मशीनें भी मेरे बेटों को माशाला सबको चलानी आती हैं हाँ अच्छा। जी अलहमदिल्ला ये सारा काम हम खुद ही मैनेज करते हैं सब कुछ करती हैं आप इसके अलावा भी कुछ करती हैं हाँ जी इसके अलावा जो मैं कर रही हूँ वो आपके सामने ही है जो मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ पकाने में कैसी हैं आप हाथ में टेस्ट है हाँ अलहमदिल्ला ये तो अब वो बताया कि जो मेरी वीडियो है वो रिवर्स वी, बनाएं, देखें और ट्राई करें अगर उनको पसंद आई तो फिर ज़ाहिर बात और तारीफ करते हैं हाँ जी अलहम्दा करते हैं तो आगे क्या गोल्स हैं आपके इस बिज़नेस को बढ़ाना चाहेंगे आप हाँ जी इन कोशिश तो है कि इसको भी लेके चलें और सबसे मेन चीज़ तो हमारा अपना चैनल है किचन में जन्नत के नाम से बच्चों ने भी अपना चैनल बनाए वाहम जे व्लॉग उसमें ये अपना बच्चों के लिए एक्टिविटीज क्योंकि आपको पता है आजकल बच्चे नेट पे ही खुश रहते हैं तो वो ये अपना वो भी बनाते रहते हैं छोटी छोटी गेम्स हो गई कुछ खेलना कूदना हो गया तो वो सारा ये मैनेज करते रहते हैं समझदार है फ्यूचर आपने सेव किया हुआ है अपना चले जी अल्लाह तला इन सब को कामयाब करे और इसी तरह मेहनत करते रहें ये लोग और जो लोग रोना रोते हैं कि भाई हमें ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिला तो प्लीज़ रोना रोने की बजाय आप लोग ज़रूर मेहनत कीजिएगा मेहनत करेंगे तभी रिस्क भी बढ़ेगा और और फिर ना अपना ऐसे कीजिएगा कि इन्होंने जो चैनल का है ना उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ क्योंकि ये इनका कारोबार बहुत वसी होने वाला है और बाद में आपको भी फ़ायदा होने जा रहा है क्योंकि ये मज़े मज़े के खाने वहां पर बताती हैं कि किस तरह से पकाए जाते हैं जो पहली जो इशाल थी आ, उन्होंने भी बहुत सी वीडियो बना रखी हैं उस चैनल पे तो वो लाजमी देखिएगा शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत अल्लाह ने के बाद